जिला परिषद करभान क्षेत्र और दो पंचायत समिति सदस्य के लिए उपचुनाव में सोमवार को सभी राजकीय पक्ष के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें करबांडी जिला परिषद क्षेत्र के लिए शिवसेना की ओर से संजीवनी राजेश कोमकार ने नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस की ओर से करबांड जिला परिषद क्षेत्र के लिए अर्चना दीपक भोयर ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा की ओर से प्रभावती राजेश करू ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। पहली बार वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से जिला परिषद सदस्य के लिए आवेदन लिया गया। करबांड जिला परिषद सदस्य के लिए किरण उमेश वहानी ने नामांकन कर अपनी ताकत दिखाई। मिश्रा मनीषा दिलीप ने भी करबान जिला परिषद क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल किया। कुल मिलाकर 5 आवेदन करबान जिला परिषद के लिए दाखिल किए गए। तहसील कार्यालय में सुबह से ही राजनेताओं का भारी जमावड़ा होता दिखाई दिया। साथ ही पक्ष कार्यकर्ता भारी संख्या में इस नामांकन दाखिल करते समय प्रत्याशी के साथ भारी संख्या में मौजूद थे। वही दो जगह चारगांव तथा नयाकुंड पंचायत समिति के लिए भी आवेदन दाखिल किए गए, जिसमें कुल 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें सुनीता नानाजी तावड़े शिवसेना की ओर से नामांकन दाखिल किया, भाजपा की ओर से आशा रविंद्र चौधरी और कांग्रेस की ओर से नामांकन दाखिल किया। उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए, जिसमें चारगांव पंचायत समिति सदस्य के लिए कुल 6 नामांकन दाखिल किए गए, जिसमें धंगारी किशन सीताराम शिवसेना, बेदरे शिशुपाल वामन भाजपा, पाटिल विठल बापूराव कांग्रेस, राउत चंद्रशेखर श्यामराव प्रहार संगठना, दिएवार तुलसी प्रदीप कांग्रेस की ओर से नामांकन दाखिल किया गया। मतदान 19 जुलाई को होना है। वही चुनाव परिणाम 20 जुलाई को मतदान की गिनती की जाएगी तथा विजय प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। बीसीएन न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।